राजनीति का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता। न पाप न पुण्य, न धर्म न ही अधर्म, सब कुछ नीति और यही राजनीति। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से शुरू होकर यूपी की राजनीति चौधरी चरण सिंह तक आते आते सिद्धांतों से अलग सत्ता सिद्धि तक आ पहुंची थी। इस दौर ने ऐसी नींव रखी जिसने उत्तर प्रदेश को दशकों चैन की सांस नहीं लेने दी। आज की हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे 1969 के चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह से बदल चुकी थी। सरकारें बनने गिरने के कई राउंड के बाद 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के मुख्यमंत्री बने। रोलर कोस्टर राइड कभी की है? अगर की है तो एक बार फिर यादों में खो जाइए, अगर नहीं की तो कहानी को फील करिए। ये राजनीति के एक ऐसे किरदार हैं जिसके रग रग में राजनीति भरी थी। ये 24 घंटे वाले राजनेता थे। न राजनीति इन्हें चैन लेने देती थी और न ये राजनीति को चैन लेने देते थे। वो कहते हैं ना कि दिया और बाती जैसा रिश्ता था इनका राजनीति से। इनके प्यार का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि जब राजनीति ने इन्हें छोड़ा तो इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ और 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बुधाणी गांव में हेमवती नंदन का जन्म हुआ था। ये यूपी की राजनीति में एक ऐसा नेता बने जिनके हारने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इनका विरोध इतना तगड़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार भी इनसे तंग आ गई थी और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 रुपए का इनाम तक रख दिया था। लेकिन हेमवती के तेवर बरकरार रहे। हेमवती बहुगुणा पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए थे और यहीं से छात्र नेता में सक्रिय हो गए। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए और कांग्रेस के सदस्य बन गए। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो आना ही था और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन छात्र आंदोलन में शामिल रहे थे। वो वक्त ही ऐसा था कि जिससे जितना हो सकता था वो करता था। उसके बाद हेमवती यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 से वो लगातार यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1957 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। ऐसा माना जाता है कि सरकार जिसको मंत्री नहीं बना पाती थी उसे ये पद दे देती थी। पर इससे ये पता चलता है कि हेमवती को इग्नोर करना सरकार के लिए भी आसान नहीं था। 1958 में प्रमोशन हुआ, सरकार के श्रम और उद्योग विभाग के उप मंत्री रहे। फिर 1963 से 1969 तक यूपी कांग्रेस महासचिव के पद पर रहे। 1977 में आम चुनाव के बाद बहुगुणा को अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री चुना गया। इस साल कांग्रेस में समस्या पैदा हो गई, चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1969 में इंदिरा गांधी को लेकर ही बवाल हो गया, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। त्रिभुव नारायण सिंह जैसे नेता कामराज के सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, पर कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। कांग्रेस का दो धड़ों में बंटना बहुगुणा के लिए काम आ गया। यूपी के सीएम त्रिभुव नारायण सिंह पद पर रहते हुए उपचुनाव हार गए। उसके बाद कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम बने तो उन्हें पीएसए विद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप में पद छोड़ना पड़ गया। बस यही बहुगुणा की किस्मत चमक गई और वह उस वक्त सांसद थे और इंदिरा गांधी सीएम के लिए नया चेहरा तलाश कर रही थी। हेमवती बहुगुणा के नाम पर सहमति बन गई और उन्हें 8 नवंबर 1973 में सीएम बना दिया गया और वो 1975 तक सीएम रहे। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि संजय गांधी को किसी ने बताया था कि बहुगुणा लखनऊ के किसी तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं और तंत्र मंत्र के जरिए अपने दुश्मनों को हटा रहे हैं। ये पता चलते ही संजय गांधी ने यशपाल कपूर और मध्य प्रदेश के सीएम पीसी सेठी को उस तांत्रिक को पकड़ने के काम पर लगा दिया। उस तांत्रिक को पीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन बाद में बहुगुणा ने बताया कि वो तांत्रिक नहीं बल्कि वैद्य था और कमलापति त्रिपाठी भी उसकी मदद लिया करते थे। 80 के दशक में एक और चुनाव ने बहुगुणा का करियर दांव पर लगा दिया। बहुगुणा तब तक कांग्रेस छोड़ चुके थे और लोकदल की टिकट पर मैदान में थे। 1984 के इस चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से उनके खिलाफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उतरे थे। किसी के रहमो गुमान में भी नहीं था कि अंग्रेजों तक की नाक में दम करने वाले बहुगुणा एक बॉलीवुड सुपरस्टार से हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस हार ने बहुगुणा को ऐसा झटका दिया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ही ले लिया। इसके 5 साल बाद 17 मार्च 1989 को हेमवती नंदन बहुगुणा दुनिया से अलविदा हो गए। हालांकि उनके बच्चों ने उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाई। बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, वहीं उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल भाजपा में हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे मुख्यमंत्री की तमाम किस्सों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।